कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से यूज़ किया जाए। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बताते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि इसकी शुरुआत कैसे करें, इसमें करना क्या होता है। तो इस बारे में हम आज पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो हमारी फीलिंग होती है, हमारे थॉट होते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो मेमोरी होती है, स्टोरियाँ होती है, इल्यूजन होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है हमारे दिमाग में। जो पॉजिटिवनेस होती है, जो नेगेटिवनेस होती है, वो भी हमारे माइंड में होती है। कहीं ना कहीं हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके दिमाग में है, ये मेरे दिमाग में नहीं है, है ना। मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ बिलीफ बना लेते हैं, हमारे कुछ फीलिंग हमारी होती है ना, कुछ ऐसे बिलीफ मतलब मान्यता होती है कि भैया ये इंसान बुरा है, या ये दुनिया बुरी है, या यहाँ के लोग बुरे हैं, लोग गंदे हैं। हम किसी एक व्यक्ति के व्यवहार से पूरी दुनिया को का अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हर चीज़ डिपेंड करती है माइंड के ऊपर। व्यक्ति कहाँ बड़ा हुआ है, कैसे बड़ा हुआ है, किन लोगों के साथ में रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के कहने से हम कह दें कि पूरी दुनिया खराब है, क्योंकि आप भी तो इतने अच्छे हैं। अब रही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो चीज़ हम यूनिवर्स से मांगते हैं ना, वो सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमको हमारे दिमाग में इसके लिए एक बिलीफ डेवलप करना होता है। सबसे पहली चीज़ बिलीफ मतलब विश्वास। आपको आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़, कुछ समय आप अपने आप के ऊपर दीजिए, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप अकेले में बैठिए और अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि मैं कौन हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, इस यूनिवर्स को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या होता है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, बोले कि अब क्या कैसे पास हो जाऊँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कि सबसे पहले आप अपने आप को समझें और ये बिलीव करें कि मैं इस यूनिवर्स से जो भी मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। जिस टाइप से मेरी मम्मी मेरी भावनाओं को समझ जाती है, आपकी जो मॉम है, आप थोड़ा सा कभी आपका चेहरा आपने देखा होगा, कभी आप उदास हैं तो आपकी मम्मी आपसे पूछ लेती है क्या हुआ बेटा, आप जबकि उसको बताते नहीं हैं, है ना, कि मैं उदास हूँ। वो आपका चेहरा देख के बता देती है कि क्या हुआ तेरे, कुछ तो हुआ, बता मेरे को क्या हुआ। तो इसी प्रकार से जो यूनिवर्स होता है वो आपकी भावनाओं को समझता है, न कि आपके शब्दों को। आप अंदर से कैसा फील करते हैं, है ना, तो जैसा आप फील करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ चाहिए, तो ये चीज़ यूनिवर्स को पता चलती है कि इसको कुछ चाहिए, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा देती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिलीफ डेवलप करना होता है, आपको सोचना होता है कि जो भी मैं मांगूंगा वो मुझे 100% मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत कीजिए, आप छोटी से छोटी चीज़ मांगिए, छोटी से छोटी चीज़ कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं कल कहीं घूमने जाऊं, या कल नहीं तो मैं आज से 10 दिन बाद कहीं घूमने जाऊं। उन 10 दिनों तक आप उस चीज़ को बार बार फील कीजिए कि मैं घूमने जा रहा हूं, एंड यूनिवर्स थैंक यू, आपने मुझे घूमने के लिए भेजा और आपने मेरा सपना पूरा किया। जबकि आप घूमने नहीं गए हैं, लेकिन यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, है ना, कि थैंक यू यूनिवर्स। सुबह उठ के थैंक यू बोलिए, दिन में थैंक यू बोलिए, शाम को थैंक यू बोलिए। आप देखेंगे कि 10 दिन बाद वास्तव में कुछ न कुछ ऐसी योजना बैठेगी, आपके पापा खुद आगे से बोल देंगे कि हमको वहाँ चलना है घूमने के लिए, बहुत दिन हो गए चलो, या आपकी मम्मी बोल देगी, या कोई रिलेटिव बोल देगा, है ना। तो ऐसा एक छोटा सा टास्क लीजिए, एकदम से यूँ नहीं कि मैं तो हेलीकॉप्टर लेके आऊँगा, छोटे छोटे टास्क। जब वो टास्क आपका पूरा होगा तो आपका जो बिलीफ होगा वो पक्का हो जाएगा कि हाँ यार, मतलब वास्तव में मैंने सोचा था 10 दिन पहले और मैंने इस चीज़ के ऊपर पूरा अमल किया और ये ऐसी चीज़ हो गई। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके लिए मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी, मैंने शुरुआत करी थी हमारे मेरे घर के बाहर जब हम जाते हैं ना तो एक रेलवे फाटक आती है, तो वो फाटक मैं घर से जाता था, मैंने कहा पक्की बात है खुली ही मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, और 99% केस में वो खुली मिलती थी। जबकि दूसरे लोग जो जाते थे, अरे लोग जल्दी चलो बंद हो जाएगी जल्दी, तो वो क्या बोलते थे बताए, बंद हो जाएगी। मैं क्या बोलता था, खुली मिलेगी। वो बोलते थे बंद हो जाएगी जल्दी चलो, मैं बोलता टेंशन मत लो खुली मिलेगी, अपन जाएंगे खुली मिलेगी। और वो ऐसा होता था और वहाँ से मेरा बिलीव डेवलप हुआ और मुझे मज़ा आने लगा, मैं हर बार जाता था यही सोचता था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हुई और धीरे धीरे वो चीज़, फिर मैं धीरे धीरे छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अट्रैक्ट की है। तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बिलीव को डेवलप करना होगा। इसके पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो आपका माइंड होता है इसमें 10% आपका कॉन्शियस माइंड होता है और 90% आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप
ये जो समुद्र होता है ना, जैसे वो जो टाइटैनिक जहाज जो जो टकराया था वो इस वाली चीज़ से टकराया था, ऊपर वाली चीज़ से। ये जो इस यहाँ पे देखिए, ये जहाज यहाँ पे चल रहा है मान लीजिए, और यहाँ पे जाते जाते ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इससे टकराया था। मतलब कि अगर ये टकराया था तो ये पहाड़ क्यों नहीं टूटा? वो टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था वो कैसे डूब गया? वो इसलिए डूब गया क्योंकि इसके नीचे इतना बड़ा पत्थर था। और ये एक तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है जो कि आपको पकड़ के रखता है। अब आप इसको जो प्रोवाइड करवाते हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं कि दुनिया बहुत ख़राब है, सिलेक्शन होते नहीं हैं, नौकरी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है ना, पैसा पैसा बड़ा मुश्किल है। तो जो चीज़ आप इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं ये इस बात को मानता है, और धीरे धीरे एक विश्वास डेवलप हो जाता है आपका। विश्वास ये कि अगर आप बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ख़राब है, तो ये इस चीज़ को मान लेता है और फिर पूरी ज़िंदगी आपके साथ में ऐसा ही होता है। जब आप इसे बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जो मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है, तो जब आप ये चीज़ें इसे भेजते हैं तो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है और धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो सबकॉन्शियस माइंड मतलब होता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन तक आप जो बात पहुंचाते हैं वो उसका उधर से रिटर्न सेम जवाब आ जाता है। मतलब कि आप बोलते हैं कि यार बहुत बेकार है यार ये दुनिया, तो उधर से वो बोलता है कि यस सर, यू आर राइट, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के लिए आप ऑलवेज राइट हैं। जब आप बोलते हैं कि अरे यार मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नीचे, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सपोर्ट करता है, बोले यस सर, यू आर ऑलवेज राइट, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। बोले यार वैकेंसी आजकल नौकरियां कहाँ हैं? बोले यस सर, यू आर राइट, कहाँ है नौकरियां? ही नहीं सर। आप जैसा इसको इंस्ट्रक्शन देंगे आपको ये वैसा अंदर से रिजल्ट देगा। कॉन्शियस माइंड जो होता है, कॉन्शियस माइंड आपका 10% होता है। कॉन्शियस मतलब जैसे मैं अभी कॉन्शियस हूँ, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिकली होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ भी ऐसी एकदम से घटना होती है, मान लो मेरे पैर में कोई भी चींटी काट जाती है, तो जैसे काटती है एकदम से मैं पीछे हो जाता हूँ। तो ये चीज़ें मेरी हैबिट, जो जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, है ना, तो उस समय शुरू में तो जब हम सीखते थे तो हम कॉन्शियस माइंड से सीखे, लेकिन रोज़ चलाने लग गए तो वो सबकॉन्शियस में चला गया। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं तो पहले दिन आपने सीखा होगा कॉन्शियस से, लेकिन अब वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया। अब आपको रात को 3 बजे भी उठा के बोल दो खाना बनाना है तो आप उठ के नींद नींद में बना के सो जाओगे, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में है। तो सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सारे लोग बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं सारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोगों से मेरा संपर्क है सब बहुत अच्छे लोग हैं। तो जब आप ये विश्वास पैदा करेंगे तो आपके अंदर फिर से पॉजिटिवनेस आएगी। जो भी आप ब्रह्मांड से मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बिलीफ डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबकॉन्शियस तक पॉजिटिव चीज़ें पहुँचानी पड़ेगी। और जब ये चीज़ आपके साथ हो जाएगी, इस चीज़ को करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, 21 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, जब ये चीज़ें आपके साथ होने लगेगी तो आपका विश्वास डेवलप होगा धीरे धीरे। फिर आपके दिमाग में जितनी भी अभी जो आपके दिमाग में उलझी हुई चीज़ें हैं, है ना, अभी क्या है बहुत सारी उलझन है हमारे दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी जैसे कि 1000 तरह की बातें दिमाग में आती है, मैं मर जाऊँगा तो क्या होगा, हैं मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा, मेरी मेरी तो बड़ी दिक्कत है, ये सारी चीज़ें अभी 1000 तरह की चीज़ें दिमाग में आती है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शॉर्ट आउट होने लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, और आपके सारे थॉट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। अभी पता है, अभी आप लोगों ने अपने दिमाग को, है ना, फालतू चीज़ों से घेर रखा है, बोले कि अंकल जी ने ऐसा बोला मेरे को, अंकल जी यहाँ घूम रहे हैं, बोले वो पड़ोसी ने आज सुबह मेरे को ऐसा बोल दिया, है ना, बोले उन्होंने ऐसा मैसेज करा मेरे को, बोले मेरे स्टेटस का जवाब ही नहीं दिया, बोले मेरे इस मेरा मैसेज देख लिया, 2 ग्रीन लाइन आ गई पर जवाब नहीं दिया। मतलब ज़बरदस्ती की चीज़ों में उलझे हुए हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। हो सकता है आपने किसी को मैसेज किया और उसके बच्चे ने मोबाइल को देख लिया, उसके बच्चे से बटन दब गया हो, पता चला आप 2 दिन तक परेशान हैं, 2 दिन बाद उसने देखा और फिर जवाब दिया, बोले अरे वो बच्चे ने उठा लिया। तो ये सब चीज़ें
आपके दिमाग में भी ये कचरा बहुत सारा कुछ भी तो फालतू, ये इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका गोल दिखेगा। तो कोई भी चीज़ आप तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आपकी लाइन क्लियर होगी। इतने इतने उलझनों में लाइन क्लियर नहीं होती है गाइस, समझे आप? तो फिर धीरे धीरे आप बिल्कुल ये चीज़ें छोटी मोटी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे। जब आप बैठेंगे, अपने आप को आधा घंटा देंगे, अफर्मेशन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, है ना, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे फिर ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, इसने कुछ कह दिया, हंसते हंसते निकाल देंगे आप, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी मेरे को कोई कह दे कुछ भी, मान लो किसी ने कुछ कह दिया, मेरे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं उस चीज़ को हल्के में निकाल लेता हूँ, बोले ठीक है। तो अपने क्योंकि अपन चीज़ों को समझ चुके हैं कि ये चीज़ें अपने जो हम लोग जो लक्ष्य है मेरा, मुझे आज जो बनना है, तो ये तो बीच में रोड़ा अटका रहे हैं, इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डर तो लग रहा है इससे, ऐसे अपन बनने वाले हैं एक दिन, बिल्कुल अपना सिक्स सेंस काम करेगा, किसी ने कुछ भी कह दिया उसको अपन नहीं पढ़ेंगे, चल हट। टाइम लगेगा अपने को ज़्यादा, अभी अपने बहुत टाइम लगा, अभी अपन बहुत उलझे हुए हैं, बोले ऐसा कैसे कह दिया, मतलब कैसे दिया ये बताओ, अरे कैसे कह दिया, वो बेचारा खुद ही उलझा हुआ है, हैं, वो उसकी आदत पड़ गई इसे बोलने की, तो अपन क्यों उलझें, अपने सुलझें, ठीक है। कोई कुछ कहता है, रिश्तेदार कुछ कहते हैं, पड़ोसी कुछ कहते हैं, कोई भी कुछ भी कहता है, अपने कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आप को समझेंगे, जब आप ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, यूनिवर्स से जुड़ेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि आई एम यूनिक, मेरा जन्म इस धरती पे किसी विशेष काम के लिए हुआ है, ये फालतू चीज़ों के लिए नहीं हुआ है, ठीक है गाइज। तो सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि आपको बिलीव करना होगा कि मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव चीज़ें पहुँचाएंगे। ये चीज़ आप एक महीने तक करिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगली प्रोसेस क्या है इसकी। तो पहले आपको अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करना है, जो अभी फालतू की चीज़ें इसमें घुसी हुई है उन सबको क्लियर करके बाहर आना है, उसके बाद में जो हम चीज़ मांगेंगे तो मिलेगी। अभी यूनिवर्स भी नहीं समझ पाएगा कि आप क्या मांग रहे हैं, क्योंकि आप आधे घंटे बाद कुछ और मांगेंगे, आधे घंटे बाद आप चेंज कर देंगे, बोले ये नहीं चाहिए अपने को, अपने को ये चाहिए। पहले स्पष्ट करिए कि चाहिए क्या, क्योंकि उधर से चीज़ें प्रोडक्ट बनने में और आप तक पहुँचाने में टाइम लगता है। बोलिए समझ में आई बात? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, रिश्तेदारों को भी पहुँचाएं, ताकि वो आपको बोलना बंद कर देंगे फिर, हाँ ठीक है। और क्योंकि उनको पता चल जाएगा, समझ गया आदमी है, अब इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आदमी अगर आपको परेशान करता है, तो उसे उसके मकसद में कामयाब मत होने दो, उसे मतलब जैसे आपको किसी ने परेशान करने के लिए कुछ बोला, और अगर आप परेशान हो गए, मतलब वो उसके मकसद में कामयाब हो गया, वो कुछ भी बोले और अपने हंसो, चेहरे पे स्माइल रखो, बहुत बढ़िया शानदार, और फिर मस्ती से खाओ पियो, शादी में जाओ तो आराम से, फालतू टेंशन नहीं लेना, मेरे को ऐसे बोल दिया, पता चला अपन बिना खाए आएंगे आ गए वहाँ से घर, ये तो सबसे बड़ा पाप है ना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ओके गाइस, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे उत्साह देता है, मैं जल्दी से दूसरा वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। थैंक यू।